स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल आरती की रसोई में। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मैंने चना अच्छे से फुलाकर साफ करके रखा हुआ है। तो आज हम लोग बनाने जा रहे हैं चना का छोला। तो चलिए मैं आप लोगों के साथ अपना रेसिपी शेयर करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने कुकर में थोड़ा सा पानी ले लिया है ताकि हम लोग एक सीटी चना में लगा दें ताकि चना सॉफ्ट हो जाए, और पानी में हम लोग थोड़ा सा नमक भी डालेंगे। तो ये देखिए थोड़ा सा नमक मैं मिला दे रही हूँ पानी में ताकि चना सॉफ्ट हो। और अब चना को भी डाल देती हूँ और हम लोग एक सीटी लगा लेते हैं। तो ये देखिए मैंने एक सीटी अच्छे से इसे बॉईल कर लिया है लगाकर। तो अब हम इसे अच्छे से छान लेते हैं पानी को। तो मैंने पानी को छान लिया है, अब हम लोग इसे एक पानी अच्छे पानी से भी धो देते हैं। तो ये देखिए मैंने चना को अच्छे से धो दिया है। तो चलिए अब हम लोग बनाना स्टार्ट करते हैं। तो मैं छोला कुकर में ही बनाऊंगी, तो उसके लिए मैंने 2 बड़े चम्मच से तेल ले लिया है, सरसों का तेल। तो हम लोग फोरन में सबसे पहले 2 छोटी दालचीनी डालेंगे, उसके बाद 3 तेज़पत्ता, 2 सूखा लाल मिर्च और 2 बड़े बड़े मैंने प्याज कट कर लिए हैं। तो चलिए अब हम लोग प्याज डालते हैं। ये देखिए अब इसे हम लोग ब्राउन होने तक ऐसे ही फ्राई करते रहेंगे। जब तक प्याज लाल हो रहा है, फ्राई हो रहा है, ब्राउन होने तक हम लोग फ्राई करेंगे, तब तक हम आपको मसाला दिखा देते हैं। तो ये रहा हम लोग का, सबसे पहले मैंने लहसुन, जीरा और हल्दी का पेस्ट मैंने तैयार कर लिया है, और बाकी का मसाला इसमें हम लोग पाउडर है तो वो मिक्स करेंगे। तो 1 चम्मच मैं धनिया पाउडर डाल रही हूँ, 1 चम्मच मैं लाल मिर्च डाल रही हूँ, सूखा लाल मिर्च पाउडर। आप लोग अपने अनुसार जितना आप लोग को तीखा खाने का है उतना आप लोग डाल सकते हैं, और थोड़ा सा गोल मिर्च पाउडर मैं डाल दें। तो ये देखिए हमारा मसाला तैयार हो गया है। जब प्याज फ्राई हो जाएगा, अच्छे से ब्राउन हो जाएगा, तब हम लोग उसमें मसाला मिक्स करेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं हमारा प्याज अच्छे से ब्राउन हो चुका है, इसमें अब हम लोग मसाले को मिक्स करेंगे। अब हम लोग अच्छे से मसाले को फ्राई करेंगे। हम लोग मसाले में स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे, आप लोग अपने स्वाद अनुसार नमक डाल लीजिएगा। तो ये देखिए आप लोग हमारा मसाला अच्छे से फ्राई हो चुका है, अब हम लोग इसमें चना को भी मिलाकर थोड़े देर के लिए फ्राई करेंगे। अभी हम लोग उसमें गरम मसाला भी मिक्स कर देते हैं, उसके बाद हम लोग ग्रेवी डालेंगे। तो हम लोगों ने चना डालकर भी 2 मिनट तक फ्राई कर लिया है, अब हम लोग इसमें ग्रेवी मिक्स करते हैं, पानी डालते हैं। तो मैंने पानी मिक्स कर दिया है, आप लोग अपने हिसाब से पानी डाल सकते हैं, आप लोगों को कितना पतला ग्रेवी चाहिए उस हिसाब से। अब हम लोग इसमें 1 सीटी लगा देते हैं। और तो ये देखिए हमारा छोला बनकर अच्छे से रेडी है, चना का रोटी और छोला। तो अगर आप लोगों को हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो ज़रूर वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। ये देखिए छोला एंड रोटी।